मित्रा ग्रुप ऑफ चैनल्स पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, हमारा ये तीन चैनल का ग्रुप है, एडुटेक्नो मित्रा, एडुला मित्रा और एमजे मित्रा। एडुटेक्नो मित्रा पर ला को छोड़कर बाकी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और एडुला मित्रा पर ला से रिलेटेड तैयारी कराई जाती है। एमजे मित्रा एक हमारा फन चैनल है, ये एंटरटेनमेंट के लिए है और किड्स इस पे जो है ना मैथ की मैजिक सिखाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का ये सेशन जो है 25 क्वेश्चन का है जो जुडिशरी की एग्जामिनेशंस में आए हुए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में और दूसरे लॉ सर्विसेज एग्जामिनेशन में। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इलेमेंट्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट इज। यहाँ पर देखो सेल्स ऑफ गुड्स आया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गेटिंग राइट्स ऑफ रीसेल। ये हमारा बाइलिंगुअल है और इसमें राइट हैंड में हिंदी में और लेफ्ट हैंड को इंग्लिश में है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए सुविधा है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। हु इज गेटिंग राइट्स ऑफ रीसेल, तो इसकी राइट ऑप्शन है अनपेड सेलर जो होते हैं वो, उनको राइट्स है वो रीसेल कर सकते हैं अगर पेमेंट नहीं आई तो मटेरियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सच एन एग्रीमेंट विच हैज बीन, यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपने खालिस्तान को फिलअप करना है और इसकी राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सभी क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आ रहे हैं, आगे कुछ क्वेश्चन के बाद जो है एक्ट बदल जाएगा। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इम्प्लाइज टू, इसकी राइट ऑप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का अलग एक्ट है प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम लिमिट फॉर राइट ऑफ इजमेंट इज, राइट ऑफ इजमेंट वो राइट है कि अगर आपको कोई सुविधा मिली हुई है और दूसरा साइड की प्रॉपर्टी वाला ओनर है जो आपको इंटरवेन नहीं करता है तो उसमें आपका राइट क्रिएट हो जाता है इजमेंट एक्ट के तहत, और इसकी टाइम लिमिट है 20 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का पार्ट है, उसमें टाइम लिमिटेशन क्या है सूट फाइल करने की, इसकी राइट ऑप्शन है 3 ईयर, 3 साल के बाद आप नहीं डाल सकते, आपकी जो भी इश्यू है जो भी आपको बेनिफिट लेना है 3 साल के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिटेशन फॉर अपील अगेंस्ट डिग्री और ऑर्डर ऑफ सिविल जज बिफोर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो टाइम लिमिटेशन है जो डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला दिया है उसके अगेंस्ट आपने अपील डालनी है तो उसकी टाइम लिमिट है 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रीएडमिशन ऑफ अपील डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज, इसकी टाइम लिमिट है, इसकी भी 30 डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर लीव टू अपील इज, इसका लिमिटेशन है 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल टाइम लिमिटेशन ऑफ अपील इज, इसकी टाइम लिमिटेशन है 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिट टेशन फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी इज, जो रिवीजन की है जो सेक्शन 115 सीपीसी के तहत डलती है उसकी टाइम लिमिटेशन है 90 डेज। ये सारी चीजें जो लिमिटेशन एक्ट में दी हुई है, ये क्वेश्चन लिमिटेशन एक्ट से आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग कंटेम्प्ट पिटीशन इज, जो कोर्ट ने आपके फेवर में कोई जजमेंट दे दिया और उसको अथॉरिटी इंप्लीमेंट नहीं करती है तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन डालनी होती है और उसकी लिमिटेशन है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923,
हमने बताना है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है। इसकी राइट ऑप्शन है डी, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट मैनेजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इनको बड़े ध्यान से देखना, बार बार रिपीट करना, वीडियो को बार बार देखना और हमारे चैनल्स को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज बीन रिसेंटली चेंज्ड। अभी जो है ना वर्तमान में किस लेजिस्लेशन का नेम चेंज किया है। इसकी राइट ऑप्शन है ए, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस एक्ट एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल टू पे कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजुरी विच डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग डेज। इसमें कह रहा है एम्प्लॉयर जो है ना लायबल नहीं होगा कंपनसेशन पे करने के लिए टोटल जो कि टोटल या पार्शियल जो कितने दिन से ज्यादा नहीं होगी, वर्कमैन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग, कितने पीरियड से एक्सीडिंग। इसकी राइट ऑप्शन है 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग बेनिफिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। नो कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड यानी बेनिफिट लेने के लिए जो नीचे लिखे लेजिस्लेशन है उस किस लेजिस्लेशन में कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है बेनिफिट लेने के लिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट ऑप्शन आई सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जो 1936 का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें नीचे में से कौन सा वेजेस की डेफिनेशन में कवर नहीं है। इसकी राइट ऑप्शन है ग्रेच्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया द प्रोविजन ऑफ चेक ऑफ्स हैज बीन एक्सेप्टेड, यानी किस लेजिस्लेशन के तहत भारत में चेक ऑफ एक्सेप्ट किया है। इसमें से बतानी है आपने ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन चाहिए, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट वेज सीलिंग पर मंथ फॉर द पर्पज ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 इज रुपीज 18,000। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द मैक्सिमम वेज पीरियड और पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय बाई एम्प्लॉयर शुड नॉट एक्सीड डेज। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द मैक्सिमम वेजेस पीरियड, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को अधिकतम वेतन अवधि या मजदूरी का भुगतान दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। कितनों दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए, 30 days, यानी टाइम पे भुगतान करना है, इससे ज्यादा दिन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेज ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट एक्सीड, किसी भी कर्मचारी की वेजेज में से कोई डिडक्शन अगर आपने करनी है तो उसकी एक परसेंटेज फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी राइट ऑप्शन है 50%, 50% से ज़्यादा किसी एक सैलरी में से नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन शुड बी रिकवर्ड विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच फाइन वर इम्पोज्ड। जो जुर्माना अगर किसी कर्मचारी से वसूल करना है तो उसकी लिमिटेशन है, इस दिन के तहत वसूल कर लो नहीं तो आप वसूल नहीं कर सकते। इसकी राइट ऑप्शन है 60 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉई हु इज अंडर द एज ऑफ इयर्स। इसमें एक एज लिमिट फिक्स कर रखी है कि उस एज तक का एम्प्लॉई होगा ना उससे आप फाइन उस पर नहीं लगा सकते, और वो एज लिमिट है ऑप्शन सी में 15 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड बाई द एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉयज शुड नॉट एक्सीड। जो अधिकतम जुर्माना जो एम्प्लॉयर लगा सकता है वो जो ना एक परसेंटेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी परसेंटेज है, इसकी राइट ऑप्शन है बी, 3% ऑफ वेजेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है गाइज, सेशन बहुत अच्छा गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस बेल आइकॉन ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल बी, यानी जो आर्बिट्रेशन होता है एक ये सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने
सिविल कोर्ट में ना जाके आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है, वो मैटर को एडजुडिकेट करता है। ये प्रोसेस फास्ट भी होती है और सही भी होती है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल बी, इसके तहत आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए रिटन में। गाइस, ये हमारा मित्र ग्रुप ऑफ चैनल्स है, आप सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहना। हम आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहेंगे। प्रेस बेल आइकॉन टू रिसीव लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।